हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, एक ऐसी वैकेंसी जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं, दैट इज आईबीपीएस पीओ। 4455 वैकेंसीज इस बार डिक्लेयर की गई हैं बाय द आईबीपीएस। देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में इस बार क्या क्या आया है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको दिखेगा कि जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 1 तारीख से लेकर हमारे पास 21 तारीख के बीच में रहेगी, और जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके होने के चांसेस अक्टूबर में रहेंगे। और चांसेस क्या है, जो इसका पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो फॉलो हो ही जाता है। इसके बाद मेंस आपका नवंबर में रहेगा, रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, एंड जो इंटरव्यूज हैं वो जनवरी और फरवरी के अराउंड ही रहेंगे। एंड एज यूजुअल जो आपको दिखता है कि अप्रैल 2025 में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो करवा दी जाएगी। दीज आर द नंबर ऑफ बैंक्स जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को डिक्लेयर किया है, खासकर जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, दे आर द वन हु हैज टिपिकली गिव द डिटेल ऑफ द ऑल द वैकेंसीज। अभी बाकी सब ने इसको रिलीज नहीं किया है अभी तक। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो आपके पास जो एज क्राइटेरिया वो 20 से 30 साल का, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है हमारे एससी एसटी के लिए वो 5 साल रहेगा। हमारे जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल रहेगा। जो आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ है उनके पास 10 साल का रहेगा, और जो हमारे एक्स सर्विस मैन कोटा से आते हैं बेसिकली दैट इज फॉर द 5 ईयर्स। ठीक है जी, अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एज यूजुअल सिर्फ डिग्री के बेसिस पर ही आपका एग्जाम होगा। एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। सिविल स्कोर प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, अगर आप में से किसी का सिविल स्कोर खराब है तो यू विल पीपल बी इन अ वेरी वेरी ट्रबल। एंड अगर आपने आज तक कभी कोई लोन लिया है, नहीं लिया है और आपका सिविल स्कोर -1 है तो देन देयर इज नो ट्रबल, नो वरीज अबाउट दैट, बट स्टिल रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है जी, फॉर्म की फीस की बात की जाए तो एससी एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटीज के साथ उनकी फीस रहेगी 175 रुपये और 850 रुपये रहेगी बाकी सब लोगों के लिए। ठीक है जी, एग्जाम का पैटर्न अभी भी बिल्कुल सेम है क्लास। आपके पास प्रीलिम्स के अंदर 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 30, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग के आपके पास 35-35 होंगे, एंड जो आपको टाइम अलॉट दिया गया है वो 20-20 मिनट का है, तो 60 मिनट का ही आपका टेस्ट रहेगा। मेंस में आपके पास डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का टॉपिक जो है वो ऐड हो जाएगा, और दैट इज जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस आपके पास ऐड हो जाएगी। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के पास 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 35, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 155 एंड द टोटल मार्क्स टोट्स टू बी 200, जिसका टोटल एग्जाम आपको टाइम पीरियड 3 घंटे का दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो टेस्ट होता है एस ए लेटर का वो आपका रहेगा 30 मिनट का। इसके बाद आपका जब रिजल्ट आएगा देन देयर विल बी द इंटरव्यू दैट विल बी कॉल्ड अप, और अगर आप इंटरव्यू को क्लियर करते हैं तो आई विश कि आप सब अप्रैल में अपनी ज्वाइनिंग को लें। तो यू कैन स्टार्ट द स्पेशल बैचेस ऑफ द ज्ञानम फॉर द आईबीपीएस पीओ एग्जाम। टिल देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।